हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो हियर इज़ वन मोर इनिशिएटिव फ्रॉम माई साइड गाइड देखिए अगर आप एस एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वॉट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लेवल तक ये आपकी हेल्प करते हैं और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन में ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और राइट तो आपको ये भी पता होगा कि जो भी एस एस सी के क्वेश्चनस आते हैं वो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं उनसे लोअर एग्जाम्स में फॉर एग्जाम्पल देर इज सी एच एस एल एम टी एस एंड आर आर बी एन टी पी सी ये सब क्वेश्चन ये सब पेपर में ओके okay? तो देखिए बेसिकली एस एस सी जो होता है वो बाप होता है इन सब का तो अगर आपने एस एस सी के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं और उसके आगे पीछे का थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपसे पूछा हिस्ट्री का तो आपने उसका बेसिक थोड़ा और जान लिया अंदर तक तो उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिये से डर लगता है और जिनको थोड़ा सा थियरी पार्ट से भी डर लगता है दे आर अफ्रेड ऑफ रीडिंग थियरी एवरी टाइम है ना तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप एम कर लीजिए ओके आप एम सी कवर करिए और सी देखिए मैंने तक आपको जितनी भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनी बताई है बहुत सारे एग्जाम्स को लेके तो मैंने बार बार आपको यही चीज एम्फोसाइज की है कि आप ट्राई करिए कि आप सीरियल के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करिए वेदर इट इज मैथ्स रीजनिंग और जी ओके क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट एग्जाम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका सी होता है और बाकी स्टैनो सी एच एस एल अगर आपने एक बार सी कर लिया तो उसके नीचे के एग्जाम्स आपको देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप बहुत ईजिली एम वगैरह तो आप ऐसे स्टेनो ये सब तो ऐसे ही आप क्रैक कर लेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको ट्रस्ट में गाइज तो दैट्स वाई फॉर दिस पर्पज़ मैंने ये सोचा है कि हम लोग ऐसी भी एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं लेकिन बेसिकली मैंने फ़िज़िक्स वाली सीरीज स्टार्ट की है लेकिन एक सब्सक्राइबर हैं मेरे उन्होंने बोला कि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं है एग्ज़ाम क्योंकि मार्च में आपका स्टैनो है उसके बाद सी भी लाइन में है सी भी है तो ऑब्वियसली इसको करने में बहुत टाइम लगेगा लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं वो नहीं करवाऊंगी ऑब्वियसली वी विल डू दैट ऑल्सो लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एम भी प्रैक्टिस करेंगे ओके तो मुझे उनकी बात काफ़ी समझ में आई कि सही बात है अभी इतना टाइम नहीं कि क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट कवर करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक नियरली फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज़ टू कंप्लीट कम्प्लीट इट थोरली, ओके तो ये थोड़ा सा अभी टाइम का दिक्कत है तो इस वजह से वो हम लोग साइमल्टेनियसी करते रहेंगे उसको मैं बंद नहीं कर रही हूँ लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी स्टार्ट करेंगे एंड टोडे इट इज़ संडे तो इसलिए मैंने सोचा कि संडे को हम लोग टाइम प्लान शेयर करते हैं एंड देन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स ये टाइम प्लान हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे और राइट right? तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं मेरी अगर आप मेरे साथ इस सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं मुझे तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है जीए जीए के साथ इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है या मेरे समझाने के तरीके में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन ऑलवेज़ टेल मी ओके सो एक बार जल्दी से क्विकली टाइम प्लान देख लेते हैं ये टाइम प्लान एक्चुअली मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था मेरी वो वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस है ना तो वहाँ पे ये टाइम प्लान शुरू किया था हम लोग ने और शायद एक दो दिन किया भी था इसका आई गेस हम लोग ने तीन लेक्चर इसके किए थे लेकिन उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से मुझे अपना चैनल उतना देखना नहीं पड़ा मतलब मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी लेकिन दिस टाइम आई एम प्रॉमिसिंग यू कि अगर हम लोग ये सीरीज़ शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड ट्रस्ट में साथ में पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाती हैं बहुत ईजिली है ना तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैंने बायोलॉजी इसलिए नहीं लिया है आप सोच रहे होंगे कि सात दिनों में बायोलॉजी क्यों नहीं है क्योंकि देखिए बायोलॉजी मेरा उतना अच्छा नहीं है अगर मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊँ देखिए मैं आपके साथ कुछ भी फ्रॉड नहीं करना चाहती हूँ मुझे जो चीज़ नहीं आता है मैं वो चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूँगी ओके okay? तो मेरा क्योंकि बायोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं है और जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने बायोलॉजी बहुत ऊपर ऊपर पढ़ा था मतलब मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है उसको पढ़ना तो इसलिए मैंने क्या किया था बाकी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देकर बायोलॉजी थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था तो प्लीज़ वो चीज़ आप अगर चाहें तो कहीं और से पढ़ सकते हैं और या फिर मतलब आप पढ़ ही लीजिएगा मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप पूरा छोड़ के चले जाइए थोड़ा बहुत मोटा मोटा अगर पढ़ लीजिएगा अगर आपका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड ही रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ओके तो ये सबसे पहले ये बात मुझे आपको बतानी थी देन देखिए फर्स्ट है मंडे कल है मंडे तो हम लोग मंडे को हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ओके अब ये चीज़ आप मुझे बताएंगे कि एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न में से किस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर मैं इसको कैसे डिवाइड करूं क्या आप ये चाहते हैं कि दस क्वेश्चन एंशिएंट दस क्वेश्चन मिडीवल एंड दस क्वेश्चन मॉडर्न के क्योंकि मैंने अभी तो यही सोचा है कि मैं दस दस क्वेश्चन तीनों के ही रख दूंगी तो इससे क्या होगा कि तीनों ही सब्जेक्ट आप तीनों ही सेक्शन आपके होते चलेंगे साथ साइड टू साइड ओके देन देखिए ट्यूजडे को हम लोग कर लेंगे फिजिक्स देन वेंसडे को जोग्राफी कर लेंगे थर्सडे को पॉलिटी फ्राइडे को इकोनॉमिक्स देखिए इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बहुत मतलब कह सकते हैं कम वेटेज वाला सब्जेक्ट है जीए में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये लेकिन फिर भी देखिए मैंने ये बोला है आपको कि हम लोग कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे ओके हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपको सीरीयल में नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो सी एच एस एल स्टेनो एम कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा ज़रूर और उससे कोई ना कोई हेल्प आपको जरूर मिलने वाली है तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स यहाँ हटाया नहीं है और थोड़े दिन के बाद अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि अब इकोनॉमिक्स में सफिशियट क्वेश्चन हो चुके हैं अब इसकी ज़रूरत नहीं है और पढ़ने की तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कोई और सब्जेक्ट वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे उससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिस्ट्री शायद हो सकता है थोड़ा हैक्टिक पड़े हम लोग को क्योंकि तीन तीन सेक्शंस हैं इसमें तो हो सकता है कि एक आध सेक्शन हम लोग इकोनॉमिक्स में डाल देंगे ओके देन सैटरडे को हम लोग केमिस्ट्री करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड संडे को होगा आपका मिक्सड टेस्ट ओके संडे को कोई भी यहाँ पे सेक्शन बाईफरकेशन नहीं है यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को मिला के मैं आपके लिए 25 फाइव क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन जैसे भी आप बोलेंगे उस टाइप का एक टेस्ट पेपर बनाऊंगी और उस टेस्ट टेस्ट को ख़ुद हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर अगर आप चाहें तो मैं उसको दे सकती हूँ फिर मतलब नेक्स्ट डे अगर आप चाहें तो मैं उसके आंसर डिस्कस कर सकती हूँ जैसे आपको बेटर लगे ये सब आपको मुझे बताना है ओके तो बेसिकली मेरी तरफ से ये छोटा सा टाइम प्लान था अब इसमें ये सारी चीज़ें करने के बाद आई होप कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने जी क्योंकि प्रीवियस ईर क्वेश्चन सही में रामबाड़ होता है एस एस एग्ज़ाम का अगर आप ये अच्छे से कर रहे हैं देन कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको करंट पढ़ने की ज़रूरत है दैट्स इट ओके सो so, हम मैं कोशिश करूँगी कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें एंड ट्रस्ट मी गाइस अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हैं अगर मुझे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है इसमें तो नो no डाउट कि आप इसमें प्रो होने वाले हैं जी में आप बहुत अच्छे से प्रो होने वाले हैं जब एक बार आपका एग्ज़ाम करीब आ जाएगा उसके बाद देन जब आप मॉक टेस्ट देंगे देन ओनली यू विल रियलाइज़ कि आपने क्या चीज़ मतलब गेन कर ली है कितने अच्छे से आपने इस लेक्चर का बेनिफिट लिया है तो बस आपको ये करना है कि मेरे साथ इस पूरे लेक्चर में इस पूरी सीरीज़ में कंसिस्टेंट होके रहना है ओके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि आज लेक्चर है तो फिर मतलब कल कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं मंडे मीन्स मंडे मैंने इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए मैं चाहती तो आपको मंडे को ही बोल देती या फिर ट्यूजडे को ही बोल देती कि आज हम लोग तीन चार सब्जेक्ट का कर लेंगे मुझे वीडियोज़ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको क्या पढ़ने में क्या आप इतना ग्रेस्प कर पाएंगे दिस इज़ द इशू इस वजह से मैं इतना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आई मतलब मैं समझ रही हूँ कि आपको आपको मैथ्स भी पढ़ना है आपको रीजनिंग भी पढ़ना है देन तो आपको इंग्लिश को भी टाइम देना है तो इस वजह से मैंने आपका बहुत थोड़ा सा टाइम लिया है एंड दैट वुड बी अनफ फॉर यू ओके एंड इसके अलावा देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पी भी आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ टेल मी क्योंकि फिर मैं उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर सकती हूँ आई गेस टेलीग्राम वगैरह पे तो अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर के साथ साथ जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसकी आपको पी भी चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ओके एंड सो गेट रेडी एंड बकअप योर प्रिपरेशन टमोरो इज़ मंडे एंड वील डू Some 30 uh, ancient, medieval, and modern history questions. Okay, so we'll meet tomorrow. So that's it for today, and stay tuned for the next video. Bye bye, friends.